मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। ये लफ्ज उस शख्सियत के हैं जिन्होंने भारत को एक नया कल दिया, जिनके विजन को पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सलाम करती है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा बीती रात पूरे देश के लिए गमगीन हो गई, जब कई जिंदगियों का कल सुधारने वाले रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके जाने से हर कोई शोक में डूबा हुआ है, बॉलीवुड में भी मानो मातम सा पसर गया है। रतन टाटा के निधन की दुखद खबर सामने आने के बाद सलमान खान, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, करण जौहर और कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। वहीं रतन टाटा के निधन पर अजय देवगन ने अपना सोशल मीडिया इवेंट ही पोस्टपोन कर दिया। रतन टाटा के सम्मान में अजय देवगन ने किया ये काम। अजय देवगन ने 9 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वो 10 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे #AskAjaySession रखेंगे और सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के सवालों का जवाब देंगे, लेकिन रतन टाटा के अचानक निधन की दुखद खबर सुर्खियों में आने के तुरंत बाद उन्होंने सोशल मीडिया इवेंट को पोस्टपोन कर दिया। कुछ समय पहले वरिष्ठ अभिनेता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिवंगत रतन टाटा सर के सम्मान में हम कल के आस्क अजय को पोस्टपोन कर रहे हैं। वहीं एक्टर अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, श्री रतन टाटा जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने हर काम में ईमानदारी, शालीनता और गरिमा के मूल्यों को बनाए रखा और वो भारत के रतन थे। RIP सर, आपने बहुत से लोगों को जीना सिखाया है। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने भी संवेदनाएं साझा करते हुए लिखा कि आपने अपनी दयालुता के माध्यम से लाखों लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। आप आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने वाले एकमात्र महान व्यक्ति होंगे। आपने हमारे देश के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपके जुनून और समर्पण के लिए धन्यवाद। आप हम सभी के लिए प्रेरणा रहे हैं और आपकी बहुत याद आने वाली है सर। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने लिखा, श्री रतन टाटा के निधन से बहुत दुख हुआ। इसके अलावा बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त, एक्टर रणदीप हुडा और वरुण धवन ने भी अपना दुख सोशल मीडिया हैंडल्स पर बांटा। वहीं RRR के डायरेक्टर SS राजामौली और एक्टर राणा दगुबती ने भी रतन टाटा के लिए अपनी भावनाएं प्रकट की। लेकिन पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी को चौंका दिया। दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट जर्मनी में हो रहा था कि तभी सिंगर ने अपने कॉन्सर्ट को बीच में ही रोक दिया और पंजाबी में कहा कि आप सभी रतन टाटा के बारे में जानते हैं, उनका निधन हो गया है, मेरी तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मुझे लगता है कि उनके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सफलता मिलने के बाद भी कड़ी मेहनत की है। मैंने उनके बारे में जो कुछ भी सुना और पढ़ा है वो उससे भी कई ज्यादा अच्छे इंसान थे। मैंने उन्हें कभी किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलते नहीं देखा। आज हमने देश का, भारत का रतन खो दिया है। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए सिंगर स्टेज पर अपने आंसू रोक नहीं पाए और रो पड़े। रतन टाटा सर के लिए बॉलीवुड का प्यार आज भर भर कर देखने को मिल रहा है, लेकिन आपके मुताबिक भारत के असल रतन को खोने के बाद ये देश किस चीज की कमी सबसे ज्यादा महसूस करेगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और देश के कल को नया आकार देने वाले रतन टाटा को इंडिया TV शोबिस की तरफ से शत शत नमन।